श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासन मूलचंद जूनवाल ने बताया कि कुछ शातिर लोग बाबा महाकाल के नाम पर भोले भाले भक्तों को ठगने में लगे हुए हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं से प्रवेश के नाम पर उन्हें पैसे मांगे जाते हैं, उनसे रुपये वसूले जाते हैं, जिसकी शिकायत के बाद मंदिर प्रशासन अब श्रद्धालुओं को जागरूक करना चाहता है। उनके लिए उन्होंने मंदिर परिसर क्षेत्र में ऐसे बोर्ड लगाए हैं जिस पर इस बात की चेतावनी दी गई है कि मंदिर में प्रवेश या दर्शन के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति उनसे रुपए लेता है, इस प्रकार से पैसे वसूलता है, तो इसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती है। कभी भस्म आरती तो कभी शयन आरती में दर्शन करवाने के नाम पर यहाँ लोग दर्शनार्थियों से मोटी रकम वसूल रहे थे। मंदिर में सिर्फ भस्म आरती के लिए 200 रुपए और अति शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए की रसीद काटी जाती है। इसके अलावा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता।